हमारे पास स्कोप है। हम बाहर जाने की बजाय आज सर्विस सेक्टर में दुनिया में जाइए आप, हमारे उत्तराखंड का आदमी मिलता है। प्रधानमंत्री जिस होटल में ठहरे थे इसराइल में, वहां का जो हेड सेफ था वो उत्तराखंड का था, टेहरी का था। मैं सिडनी में जिसमें ठहरा वो पौड़ी का था। मैं नीदरलैंड में जहां ठहरा वो उत्तराखंड का था। यानी सर्विस सेक्टर में हमारे लोग बहुत बढ़िया कमाल का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उसकी हमको आवश्यकता है। उत्तराखंड को सर्विस सेक्टर को बढ़ाने की आवश्यकता है। सर्विस सेक्टर ही उत्तराखंड का उद्धार करने वाला है। लेकिन हमारे पास जो रिसोर्स हमारे पास उपलब्ध है उधर ध्यान देने की जरूरत है। वो बात मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूं। हम रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, कितना पैसा मिलता है, लेकिन हम यहां पर वो काम कर सकते हैं। मैं आपके सामने दो तीन बातें कहूंगा। आज दुनिया में जो सबसे ज्यादा डिमांड है फाइबर की, वो हेम्प की है, यानी भांग। ये भांग नहीं जो हम हमारे घरों में होता है, इंडस्ट्रियल हेम्प है। इसमें से नशा निकाल दिया गया है, क्योंकि इसके कारण कई बार कंफ्यूजन होता है। मैं युवाओं के बीच में बड़े खुल के इस बात को कह रहा हूं। इसका तेल जो है 4 लाख रुपए लीटर है, 4 लाख रुपए लीटर। इसका एक कुर्ता पैजामा अगर हमको बनाना है तो ये 20-25 हजार से कम में नहीं बनने वाला है। और जूते से लेकर टोपी तक सब कुछ इसका बन रहा है। 525 किस्म से अधिक की आइटम ये भांग के पौधे से हम तैयार कर सकते हैं। दवाइयों से लेकर जो कैंसर की दवाई है आज हेम्प उसका बन रहा है। टीबी के लिए सबसे बेस्ट अगर कुछ है तो ये हेम्प है। ये इसका इससे जो प्रोसेस करके जो दवाइयां बन रही हैं, जो जो चर्म रोग होते हैं जिसको हम कुष्ठ रोग कहते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट अगर है वो है। आज जो दर्द निवारक जो हम मॉर्फिन लेते हैं, जब डॉक्टर हमको जब कुछ नहीं काम करता मॉर्फिन काम करता है, तो मॉर्फिन का विकल्प अगर है तो हेम्प में है। और इसका जो फाइबर है ये होलो है। दो फाइबर ऐसे जो होलो है, एक हेम्प का है, एक नेटल का है। और दूसरे नंबर पर अगर किसी कपड़े की आज डिमांड है दुनिया में, तो सिसौन जिसको बोलते हैं कुमाऊनी में, गढ़वाली में कंडाली बोलते हैं, अंग्रेजी में नेटल बोलते हैं। अगर सेकंड नंबर पर किसी फाइबर की डिमांड है तो इसकी डिमांड है। ये डिमांड है आज दुनिया में, और जो हम बड़े आराम से उगा सकते हैं, आराम से प्रोसेस कर सकते हैं। अभी तक हम लोग जो भांग का रेशा निकालते थे पानी में 15-20 दिन एक महीना डालना पड़ता था तब निकालते थे, जैसे हम लोग भीमल का निकालते हैं या कोई भी रेशा निकालते हैं, तो उसकी जो परंपरागत जो तरीका है वो पानी में उसको 1-1.5 महीना डाल देते हैं, उसके बाद हम उसको निकालते हैं। लेकिन आज ऐसी विधि आ गई है, कोई जरूरत नहीं, इधर से मशीन में डाला पौधा, उधर से प्रोसेस हो गया, उसकी लकड़ी अलग होगी, अलग हो गया। जो इसकी खासियत है, जो ये जो नेटल है, ये रेडियो धर्मिता को रोकता है, रेडिएशन को रोकता है, इसकी जो खासियत है। इसकी ब्रिक बनकर आजकल घरों में लगाया जा रहा है हेम्प की, और उससे कैंसर रोधी है वो, तो घरों में उसकी ब्रिक्स लगाई जा रही हैं ताकि कैंसर ना हो। उसका जो रेशा है, अगर हम जो यहाँ पर कोई बुजुर्ग बैठे हों तो वो महसूस करते होंगे कि गांव में भैंस को बांधने के लिए ना ये रस्सी जो बनती थी वो भांग की बनती थी, बाकी तो भीमल की बन जाती थी। लेकिन अगर भैंस बांधना, भारी बड़ा तगड़ा जानवर बांधना, उसके लिए बनती थी। मच्छी जाल जो बनते थे बकरियों के, उसके लिए वो इससे बनते थे। ये हमारे पुरानों ने इसको संभाल के रखा। और जो पुराने घर जो बने हैं जिसमें बोलते हैं कि 350 साल पुराना घर होगा, अजंता एलोरा की गुफाओं में जो पेस्ट किया गया है वो पेस्ट हेम्प का है। हम इसका मतलब हमारे पूर्वज जानते थे। और ये जो नशा रहित भांग है ये यहाँ पर होता था पिथौरागढ़ में, ऐसी स्पेसी हमको अभी रिसर्च करने के बाद मिली है। अभी हम विदेश से सीड खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे पुरखों ने उसका इस्तेमाल किया है। क्यों? कि वो नस्ल आज हमको यहाँ पर पिथौरागढ़ में मिली है, जिसमें जो नशे की मात्रा है वो बहुत कम है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम नौकरी के लिए उधर भटकते हैं। हम हमारे पास जो कमी है उत्तराखंड के जो युवाओं में जो कमी है, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, एक बार एक यूनिवर्सिटी में मुझे भी रहना था, उनको भी रहना था, तो मैंने कहा आप क्या महसूस करते हैं उत्तराखंड में? तो उन्होंने कहा यहाँ का युवा इतना अच्छा है, होनहार है, बुद्धिमान है, शांति प्रिय है, हृदंग में विश्वास नहीं करता, कंस्ट्रक्टिव है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई कमी है, मैं कमी को गिना रहा हूँ, तो हमारे पास व्यावसायिक गुण नहीं है। इस व्यावसायिक गुण को विकसित करने की जरूरत है।